हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कैसे हम जो है चेक बॉक्सेस को चेक अनचेक कर सकते हैं क्विज एप्लीकेशन में, लेकिन अब हम चाहेंगे कि जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसका हम रिजल्ट स्टोर कर पाए, जिसके लिए हमें MySQL में एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा क्रिएट टेबल, और हम कुछ भी नाम दे सकते, तो हमने इसका नाम दिया रिजल्ट। हम चाहते तो इसका नाम एग्जाम रिजल्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम दिया है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं उसका एक एग्जाम आईडी होता है जो कि प्राइमरी की है। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम आईडी का बेनिफिट क्या है, तो दिन भर में काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दें सबका एक यूनिक आईडी हो। इसे मैं फिगर से समझना चाहूँगा। जैसे आज 25 अक्टूबर है, और बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे, और एक ही व्यक्ति भी मल्टीपल टाइम एग्जाम दे सकता है, ये कैंडिडेट है 1 2 3, ये सभी एग्जाम दे रहे हमारे एप्लीकेशन में। डिफरेंट लोकेशन से भी एग्जाम दे सकते हैं, ये क्विज ऐप है। अब कुछ रिजल्ट जनरेट होगा दोस्तों, तो हमें यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा एग्जाम आईडी, साथ साथ कैंडिडेट आईडी। और साथ साथ उसका रिजल्ट कि वो पास हुआ कि फेल हुआ। हालांकि और भी बहुत सारे कॉलम्स, लेकिन मैं ग्रेड कॉलम रख रहा हूं, जैसे एग्जाम आईडी 1, ये कैंडिडेट 1 ने दिया था और उसका रिजल्ट रहा पास। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ये कैंडिडेट 1 है तो इसका एग्जाम पास हो गया। फिर से एक और एग्जाम हुआ जो कैंडिडेट 3 ने दिया, वो फेल हो गया। एक एग्जाम आईडी 3 था जो हमारे कैंडिडेट 2 ने दिया, ये पास हो गया। तो एग्जाम आईडी अगर नहीं होता तो हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर पाते, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एग्जाम। और जब हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे सर्टिफिकेट बनेगा, तो सर्टिफिकेट में हमें यहां पे डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी, कैंडिडेट आईडी भी मेंटेन करना पड़ेगा, साथ साथ एग्जाम आईडी भी। क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में कोई सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो कंपनी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करती है कि भाई वो वैलिड है या फेक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे कैंडिडेट आईडी 1 ने सबमिट किया, मान लो एग्जाम आईडी 3, ये फेक कहलाएगा, क्योंकि डेटाबेस में साफ पता चल रहा है कि कैंडिडेट 1 ने कौन सा एग्जाम आईडी दिया था, केवल 1। ये तो ओके है, लेकिन कैंडिडेट 1 ने एग्जाम आईडी 3 नहीं दिया है। तो कंक्लूजन निकला कि हर स्टूडेंट को हमें कैंडिडेट आईडी भी देंगे, और जब भी कोई एग्जाम होगा तो एग्जाम आईडी भी मेंटेन करेंगे। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि एक ही व्यक्ति कई बार एग्जाम देता है, तो हो सकता है कि कैंडिडेट 1 फिर से कभी भविष्य में एग्जाम दे। जब वो भविष्य में फिर से एग्जाम देगा तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट आईडी, उसका नया एग्जाम आईडी बन जाएगा 4। इसी कहां से हमने यहां पे लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे कि एग्जाम आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, और मान लो ये फेल हो गया तो टेक्निकली हमारे कैंडिडेट ने 2 एग्जाम दिए हैं, एक दिया एग्जाम आईडी 1 और एक दिया एग्जाम आईडी 4,
एक में वो पास हुआ और एक में फेल हुआ है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम आईडी बनाया, सब सिस्टम से कहा कि ये इंटीजर 5 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का मतलब है कि मैक्सिमम कैस्ट वो कर सकते हैं 9999 यूनिट 10,000 10,000। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा स्टोर करने तो आप साइज़ बढ़ा दीजिए, साइज़ बढ़ा देंगे तो इससे भी अधिक क्रेडिट आप स्टोर कर पाएंगे। ऐसे में कैंडिडेट आईडी को भी दिया है इंटीजर ऑफ 5। नॉट नल, नॉट नल का मतलब है कि कोई भी एग्जाम बिना कैंडिडेट आईडी के नहीं होगा। डेटेड तो आप समझते हैं डेट, जैसे आज की डेट है, तो आज की डेट क्या है 2021.10.25, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। करेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, रॉन्ग की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, नॉट आंसर्ड भी 0 रहेगा, परसेंटेज भी 0 रहेगा। ग्रेड हमने रख रहे हैं 4 कैरेक्टर्स की, क्योंकि पास और फेल दोनों में 4 लेटर्स है। यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक कंडीशन, जब भी हम कोई डेटा डालेंगे ग्रेड में, तो या तो वो एग्जैक्टली पास होना चाहिए या फेल, इसके अलावा हम कुछ और इनपुट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब हम चाहेंगे कि हमारा जो क्विज एप्लीकेशन था उसमें रिजल्ट कैलकुलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो देखिए हम क्या इम्प्रूवमेंट करें आज। हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन बनाया था कैलकुलेट रिजल्ट, जो कि हमने 22 अक्टूबर को बनाया था। हमने वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट किए। पहला मैंने इम्प्रूवमेंट किया कुछ नए वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, जिसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई सिंपल सी बात है कि जितनी भी हमारे रिकॉर्ड्स की साइज होगी उतने ही क्वेश्चंस हैं। ऐसे में एक वेरिएबल है पासिंग परसेंटेज, वेरिएबल टू डिफाइन मिन परसेंटेज, मिन पासिंग परसेंटेज। तो कम से कम इतनी परसेंटेज आने चाहिए। अब कंपनीज में हमारी रिक्वायरमेंट कभी चेंज हो जाती है, जैसे किसी कंपनी कहा कि 80% हमें पासिंग चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे 80 कर दीजिए। तो वेरिएबल बनाने का ये एडवांटेज है कि आप इसे फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली कंपनीज हमें 60% की रिक्वायरमेंट कहती है, तो मैं यहाँ पे 60% रखा है। बाकी सब कोडिंग हमने लास्ट टाइम बना ली थी, वो कोडिंग हमने कोई चेंज नहीं की है, ये सब 22 अक्टूबर की कोडिंग है। हमने इसके आगे चेंज यहाँ किया है, हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था जिसमें हम करेक्ट पे 4 मार्क्स दे रहे थे, लेकिन रॉन्ग पे -1 कर रहे थे। तो हमारा फॉर्मूला था रिजल्ट का करेक्ट इनटू 4, रॉन्ग इनटू -1। हमने रिजल्ट भी शो कर दिया, करेक्ट भी शो कर दिया और नॉट आंसर्ड भी शो कर दिया। ये डीबगिंग के लिए है, फॉर डीबगिंग ओनली, जैसे हमें पता चल पाए कि हमारे कोडिंग में कहीं बग तो नहीं है। अच्छा अब हम कुछ और चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट किया, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्ट इनटू 100 अपॉन 4 इनटू टोटल क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम हर करेक्ट पे 4 मार्क्स दे रहे हैं। जैसे भी मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 क्वेश्चंस का टोटल बनता है 24, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो 24 में से कैलकुलेट होगी। हमने डीबगिंग के लिए परसेंटेज को प्रिंट करवा दिया, जैसे कि हम देख पाएंगे कितने परसेंटेज शो हो रहे हैं।
अब हम पे कंडीशन दे दी कि क्या आपके परसेंटेज पासिंग परसेंटेज की लिमिट को क्रॉस करें या नहीं। यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है कि आपके परसेंट या तो पासिंग परसेंट के बराबर या ग्रेटर हो, तो उस केस में जनरेट होगा सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो मैसेज शो होगा कि आप एग्जाम में फेल हो गए। हमने कुछ दिन पहले पोजिशनल पैरामीटर सीखे थे, तो हमने यहाँ पे एक पोजिशन पैरामीटर दे दिया और यहाँ पे भी एक पोजिशनल पैरामीटर दे दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे दो पोजिशनल पैरामीटर्स, तो भी दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी फॉर्मेट फंक्शन में, तो पहले परसेंटेज शो होगा और फिर पासिंग परसेंटेज शो होगा। अब यही काम अगर हम सी में करते हैं तो सी में हम कुछ ऐसा लिखते हैं परसेंटेज, और यहां भी लिखते हैं परसेंटेज। लेकिन पाइथन की खासियत क्या कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली पोजिशनल पैरामीटर दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जहां जहां हमें पोजिशनल पैरामीटर्स दिए वहां पे वैल्यू शो हो जाएंगी। और अब हमने यहाँ पे यूडीएफ डिफाइन किया है, डेफिनेशन ऑफ यूडीएफ। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टारगेट है। यहां तक हम सी कर चुके थे, यहां डी आ चुका है। अभी हम यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं करे, इसलिए हमने लिखा है पास। पास का मतलब डू नथिंग, अभी हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब इसे रन करके देखना चाहेंगे कि हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो पहले मैं सभी क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा हूं, जैसा कि हमने कहा था कि नेमिंग की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे नेमिंग तो सही है, लेकिन हमने एक पैरामीटर नहीं लिखा यहाँ पे सेल्फ। तो सेल्फ डॉट जनरेट सर्टिफिकेट। अब हम दो गलत कर रहे हैं और चार सही कर रहे हैं। तो सिस्टम कह रहा है कि आपका परसेंटेज बन रहा है 58.33 जो 60 से कम है, जिस कारण से आप फेल हो गए। अब फिर से इसे रन करना चाहेंगे हम, और अब की बार हम सभी क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। तो अब हमें कोई मैसेज शो नहीं हुआ क्योंकि जनरेट सर्टिफिकेट वाली कोडिंग में जा चुका है वो। अगर हम चाहते तो वहां पे भी मैसेज शो कर सकते थे। दोस्तों अब हम चाहेंगे कि एक बार जब परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए तो पहले रिजल्ट को डेटाबेस में शो करें। तो 25 का बी था कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां पे कंडीशन लगाई कि अगर आपके परसेंटेज ग्रेटर देन पासिंग परसेंटेज है तो डेटाबेस में रिजल्ट स्टोर हो जाए। यहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। यहां पे हमें डेटाबेस में तो हमेशा स्टोर करना है। इस लाइन को हम यहां से हटा देते हैं और यहां रख देते हैं कि जैसी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए तो रिजल्ट स्टोर हो जाए डेटाबेस में। तो यहां पे हम कमेंट लिख देते हैं, हमने यहां पे क्या किया, डेटाबेस में स्टोर किया, स्टोर रिजल्ट इन डेटाबेस टेबल। जो सक्सेस है उसकी दो ही वैल्यूज होंगी, कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी या तो डेटाबेस में स्टोर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप डेटाबेस में स्टोर करें, क्या क्या स्टोर करें, करेक्ट का डेटा, रॉन्ग का डेटा, नॉट आंसर का डेटा, रिजल्ट और परसेंटेज। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन पासिंग परसेंटेज है
और डेटाबेस में स्टोर हो गया सक्सेसफुली। अच्छा ये भी हम कंडीशन बाहर रख सकते हैं, इफ सक्सेस तो जनरेट सर्टिफिकेट। ठीक है ऐसा भी चलेगा। अगर आपके परसेंटेज पासिंग परसेंटेज से ज्यादा है और साथ साथ डेटाबेस में सेव भी हो गया है कारण क्या कि आपका सर्टिफिकेट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि डेटाबेस में रिजल्ट स्टोर ना हो जाए। तो डेटाबेस में रिजल्ट का स्टोर होना जरूरी है। तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम अगर परसेंटेज ग्रेटर देन पासिंग परसेंटेज है और साथ साथ सक्सेसफुली सेव हो गया तो उसके इसमें जनरेट हो सर्टिफिकेट। बाय चांस अगर नहीं हो पाया तो हम एरर दे देंगे कि डेटाबेस में आपके रिजल्ट सेव नहीं हो पाई है। अब ऐसा कब होता है? मैंने तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का टेबल बनाया है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट ये टेबल बनाना भूल जाते हैं। अगर आप ये टेबल बनाएंगे ही नहीं दोस्तों तो रिजल्ट आपके टेबल में स्टोर नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि रिजल्ट टेबल में नहीं स्टोर हो पाएगा तो यहाँ आके आपका एरर आ जाएगा कि भाई आपका डेटाबेस टेबल में स्टोर नहीं हो पाया रिजल्ट। लेकिन अगर आपके परसेंटेज पासिंग परसेंट से ज़्यादा नहीं है तो उसके इसमें लिखा जाएगा कि आप एग्जाम में फेल होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो डेटाबेस में सेव करें, दूसरा हम पास फेल डिसाइड करें। अब हम जनरेट सर्टिफिकेट से पहले स्टूडेंट डेटाबेस की कोडिंग देखें। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया स्टूडेंट डेटाबेस जैसा हमने यहाँ पे नाम दिया है। पाइथन में पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहता है, साथ साथ जो जो पैरामीटर हमने यहाँ लिखे वो सभी पैरामीटर से हमें यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमने क्या क्या मेंटेन किया है, करेक्ट, रॉन्ग, नॉट आंसर्ड, रिजल्ट और परसेंटेज। हमने रेंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्टिंग रेंडम मॉड्यूल टू जनरेट रेंडम कैंडिडेट आईडी बिटवीन 1 and 1000। कारण क्या मेरे दोस्तों कि हमारे डेटाबेस टेबल में दो चीजें हैं, एक तो एग्जाम आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो उसके में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सर रहा था कि कैंडिडेट का आईडी कहाँ से आए, तो हर कैंडिडेट को एक आईडी देने का सबसे इजीएस्ट वे कि हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करें और हम सिस्टम से कह रहे हैं कि रैंडमली 1000 तक नंबर जनरेट हो। अब आप इसे 1000 की जगह चाहें तो 10000 दे दीजिए, जितनी बड़ी रेंज आप चाहें उतनी बड़ी आप रेंज दे सकते हैं। तो हाल फिलहाल मैंने यहाँ पर रेंज 1000 रखी है। परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड पास हो जाएगी और अगर 60 से कम है तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पे पास और लेस देन पे फेल। अब हम यहाँ पे क्वेरी जनरेट करेंगे, जनरेट एम्बेडेड एसक्यूएल क्वेरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्वेरी बनाने आना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन पहले बेसिक क्वेरी सीखी थी, यहाँ हमने मल्टीलाइन स्ट्रिंग बना लिया इंसर्ट इनटू रिजल्ट क्योंकि टेबल का नाम रिजल्ट है। अब रिजल्ट नाम के टेबल में एग्जाम आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, उस कारण से उसके में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 कॉलम्स को देना होगा।
तो हमें सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि सबसे पहले हम कैंडिडेट आईडी प्रोवाइड करें, फिर हम डेटेड प्रोवाइड करें, फिर करेक्ट, रॉन्ग, नॉट आंसर्ड, परसेंट ग्रेड, वैल्यू से कीवर्ड है। अब जितने हमने यहाँ पे वेरिएबल किए उतनी वैल्यूज आएंगी, जो जो वैल्यू हम बाद में प्रोवाइड करना चाहें उसके हमने कर्ली ब्रेसेस छोड़ दिए। जैसे पहले हमें कैंडिडेट आईडी भेजना है तो यहाँ कैंडिडेट आईडी आ जाएगा। हमारे MySQL में तो कर डेट हमें आज की डेट देता है। जैसे आज की डेट है दोस्तों 2021-10-25, ऐसे होता है सिज डेट आपको डेट के साथ साथ टाइम भी देता है। तो आपकी कंपनी को डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना चाह रही है कि केवल डेट स्टोर करना चाह रही है। तो अगर आप केवल डेट स्टोर करना चाहें तो कर डेट, डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना चाहें तो आप सिज डेट का यूज कर सकते हैं। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस छोड़े 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हमें टोटल 6 वेरिएबल देने होंगे, पहले कैंडिडेट आईडी, फिर करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर नॉट आंसर्ड, फिर परसेंट, फिर ग्रेड। हमेशा की तरह डीबगिंग करने के लिए हमने इस क्वेरी को प्रिंट करवा के देख लिया कि हमारी क्वेरी सही बनी है या नहीं। और हमने कुछ दिन पहले एक मॉड्यूल बना था डीबी कनेक्शन, यूज डीबी कनेक्शन मॉड्यूल इंसर्ट फंक्शन। तो डीबी कनेक्शन मॉड्यूल से हमने कहा कि हमने जो इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया था वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब हाँ, इसकी खासियत है कि मैं बताता है कि कितनी रोस अफेक्ट हुई, गिव्स नंबर ऑफ रोस अफेक्टेड। तो काउंट हमने स्टोर कर लिया और काउंट को प्रिंट करवा दिया। अगेन ये डीबगिंग के लिए है। जब जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो जाए तो हमें काउंट 1 मिलता है। तो क्या 1 ग्रेटर देन 0? तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन माजी के रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाए तो हमें 0 मिलेगा। तो क्या 0 ग्रेटर देन 0? फॉल्स। तो प्यारे दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू और फॉल्स कहाँ यूज होगा? ये ट्रू और फॉल्स यहाँ यूज होगा कि अगर आपका रिजल्ट सक्सेस है तो उस केस में जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन नहीं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो फेल हो गया है। हमने नंबरिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, इसको हमने ई कर दिया और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, इसको हम एफ कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे हम पास लिख देते हैं। और इसे चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। यहाँ पे कॉलन साइन आना चाहिए तो हम कॉलन साइन लगा देते हैं और इसे रन करते हैं। तो सिस्टम देखिए क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमें जो जो डिबगिंग की थी वो शो कर रहा है कि टोटल हमने करेक्ट आंसर 6 किए, रॉन्ग एक भी नहीं किया। इसका आंसर हमें 24 मार्क्स मिले हैं। और जैसा कि आपको मैंने इंसर्ट क्वेरी शो करवाई थी, देखिए इंसर्ट क्वेरी बन चुकी है। अब क्योंकि इंसर्ट क्वेरी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई तो काउंट हमें 1 मिला है, यानी हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। डेटाबेस में चेक करें तो डेटाबेस में हमें इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो पहले एक रिकॉर्ड था, अब देखिए 2 रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं। हमने जो पहला एग्ज़ाम दिया था उसमें कैंडिडेट आईडी 10 जनरेट हुआ था, जो सेकंड हमने एग्ज़ाम दिया उसमें कैंडिडेट आईडी 484 जनरेट हुआ है। तो जब हम HTML पेज में सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे तो दोनों चीज़ें शो करेंगे कि जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया उसमें कैंडिडेट आईडी क्या दिया था और एग्ज़ाम आईडी उसका क्या था, जिससे कि फ्यूचर में उसको हम रेफर कर पाएँ।